कि मैं शील सदाचार से युक्त हूँ, शील से युक्त हूँ, पंचशील से युक्त हूँ, आठशील से युक्त हूँ, दशशील से, लेकिन वास्तव में ये सब सामान्य विषय है। इसका मतलब वो तथागत को नहीं जानते। पुथुत जनो तथागत वदमानो वदेय, ऐसा करके आता है, दीघ निकाय में आता है कि वास्तव में मुझे समझे ही नहीं, मैं पंचशील का पालन करता हूँ, दशशील का पालन करता हूँ करके मुझे प्रशंसा करते, वास्तव में शील गहरा है, मैं महाशील का पालन करता हूँ, वो क्या है सुनो करके वो वहाँ बड़ा एक तात्विक दार्शनिक तक चले जाता है, गंभीर दर्शन में चले जाता है। बौद्ध दर्शन बहुत गंभीर है, ये पहले आपको समझना चाहिए। बौद्ध दर्शन में बौद्ध न्याय है, बौद्ध दर्शन दिंगनाम जैसे महा महा न्यायिक उसमें है, और नागार्जुन जैसे बड़े बड़े आचार्य बाद में आए हैं, बहुत ही गंभीर दार्शनिक है, दर्शन है। बौद्ध न्याय के बारे में हम नहीं समझे, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में एक बड़ा विद्वान रूस के शेरवास के करके थे, उन्होंने बुद्धिस्ट लॉजिक करके बड़ा पुस्तक लिखा है, बहुत गवेषणा करके, ये आप लोगों को जानना, उसको हिंदी अनुवाद भी हो गया है। तो पंचशील के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है कि पंचशील क्या है, तो पहले बोले हैं प्राणातिपाता वैरमणी सिखा पदम समाध्यानि, प्राणियों का हिंसा नहीं करना चाहिए, और अदिन्नादाना वैरमणी सिखा पदम समाध्यानि, जो वस्तु नहीं दिया है उसको नहीं देना चाहिए, लेना चाहिए, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। पहला पंचशील में पहला शील है हिंसा से दूर रहना चाहिए, किसी प्राणी का हिंसा नहीं करना चाहिए, ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः, हम यहाँ भी हम देख सकते हैं हमारे नीति शास्त्र में भी वही बात है। इसलिए भगवान बुद्ध उपनिषद समय के महर्षि थे, एक महर्षि थे उपनिषद कालीन, जैसा विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, इस प्रकार महर्षि थे, भगवान बुद्ध एक महर्षि पैदा हुए थे। उसको समझने में, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो परंपरा चली, वेदों के बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं कहा, इसलिए उसको हम बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध इस प्रकार के हम सोचते हैं, ये हमारे अज्ञान है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये महेशी करके उसका बहुत सारे विशेषण आते, वो महर्षि थे, उपनिषदकालीन महर्षियों में एक महर्षि उनको समझ सकते हैं, तो उनका उपदेश ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा है कि प्राणियों का हिंसा नहीं करना, किसी प्राणी का भी हिंसा नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भगवान बुद्ध मांसाहार मना नहीं किया है, ऐसा बोलते हैं, ये सब अज्ञान विलसित है। वास्तव में भगवान बुद्ध पंचशील स्पष्ट रूप में प्राणातिपाता वैरमणि सिक्खा पदम क्लियरली बोल रहा है, किसी प्राणी की हिंसा करना नहीं चाहिए, प्राणी की हिंसा नहीं, प्राणी मात्र की हिंसा करने का अधिकार आपको नहीं है, नहीं करना चाहिए। वो हिंसा क्या है और गहराई से वर्णन है, कायिक वाचिक मानसिक किसी प्रकार की हिंसा की नहीं चाहिए, गाली भी नहीं देना है किसी प्राणी को, कुत्ता को गाली देना भी एक प्रकार की हिंसा है, हिंसा बहुत, इसलिए बोलते हैं ना अहिंसा सिद्धांत बौद्ध धर्म से हम सीखे हैं, लेकिन उसका उल्टा हम समझते हैं, तो इसलिए हम समझते हैं उस वहां से सिद्धांत आए, अहिंसा परमो धर्म करके महाभारत में भी आता है। तो उसके बाद दूसरा शील है पंचशील में अदिन्नादाना वैरमणि, जो वस्तु नहीं दिया है उसको नहीं लेना है, इसका मतलब चोरी नहीं करना है, जो वस्तु नहीं दिया है उसको लेना मतलब वो चोरी ही है। तो तीसरा शील है व्यभिचार नहीं करना है, कामेशु मिच्छाचारा वैरमणि सिखा परम, व्यभिचार नहीं करना है, मतलब किसी को जिसको चाहते हैं उसको आप पसंद करो, जिसको चाहते हैं उसके पास आप चले जाओ, हाँ एक प्रकार का आधुनिक समय में ये सब हो रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध उसको मना किया है। आप सोच सकते हैं भगवान बुद्ध का विचार कैसा था, क्योंकि ये सारे जो है ना आपका निर्वाण प्राप्ति में बाधक बन जाएंगे, निर्वाण प्राप्ति के लिए बाधक बन जाएंगे, इसलिए ये सब उनको कहना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध दाजगृह और नालंदा के बीच में वो चल रहा था, उनके पीछे 500 भिक्षु चल आ रहे थे। जब भी भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए उबन्ना समय 11 बजे के समय आसपास 10-11 बजे समय में वो गांव के बाहर रहते थे, गांव के शहर के अंदर बहुत सारे उनका निमंत्रण मिलता था, नहीं रहते थे कभी भी, बाहर रहते थे। बाहर रहने के बाद जब उनको एक बार, उनके पास नो किचन रूम, रसोई नहीं करना, ऐसा बौद्ध बड़ा संघ जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा हो गया था उस समय के समय में ही, हजारों लोग आ गए थे, लेकिन वो कहाँ कैसे रहते थे, तो वो बहुत ही आसानी था कि वो बड़ा एक आराम बना के उसमें रसोई करके वहाँ खाते हुए, ऐसा वो प्रक्रिया वहाँ नहीं है, क्योंकि वो सब विरक्त थे। आज हम जो हम बौद्ध भिक्षु देख रहे थे उन दिनों में बहुत बहुत फर्क भी है,
तो वो विरक्त थे, उनके पास कोई न कुछ भी नहीं था, एक वस्त्र थे उनके पास, पत्ता चीवर मात्र, एक पात्र था एक चीवर था, बस दो नहीं, एक पात्र रहता था एक चीवर रहता था, वो एक ही चीवर को ऐसा पहनना पड़ता है, दो तीन कपड़े नहीं रहते हैं, और एक पात्र रहता था, क्योंकि जब भूख रहे एक ही बार खाते थे, 11 बजे समय में एक गांव में जो पास में है वहां जाकर के सभी लोग जाकर के आदर से निमंत्रण करके, पूछते नहीं थे वो, जब आते थे सभी लोग निमंत्रण करके देते थे, कुछ ना कुछ देते थे, वो उसके बाद फिर वापस आते थे, और रात में भोजन नहीं है। तो आज भी बहुत सारे देशों में रात में बहुत कुछ भोजन नहीं करते, एक ही बार खाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जब 500 भिक्षु पीछे आ रहे थे, नालंदा और राजगृह के बीच में एक रास्ता में चल रहे थे, 500 भिक्षु के पीछे से आ रहे थे, इस गण के पीछे एक दो लोग आ रहे थे, गुरु और एक शिष्य, शायद वो वैदिक धर्म परंपरा के थे, कोई भी दूसरे इनके नहीं थे, वो दूसरे परंपरा के, एक ब्रह्मदत्त और सुप्रिय और ब्रह्मदत्त, ये दोनों ब्रह्मदत्त और सुप्रिय गुरु शिष्य आ रहे थे पीछे पीछे, और उनके बारे में वो पीछे पीछे जा रहे थे, इसलिए उनके बारे में आगे जा रहे थे ना, बौद्ध भगवान बुद्ध और 500 भिक्षु आगे जा रहे थे ना, उनके बारे में ये बात करने लगे दोनों। गुरुजी बोल रहे थे, अरे ये भगवान बुद्ध करके है एक आदमी, ये है आगे चल रहा है, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनको उनका जो धर्म है, उनका जो उपदेश है, मुझे अच्छा नहीं। इस प्रकार वेरियस वेज, नाना प्रकारों से भगवान बुद्ध का और धर्म का और संघ का, बुद्ध धर्म संघ ये तीन प्रधान है, तीनों को वो निंदा कर रहा था, और उनका शिष्य जो है ना उनको प्रशंसा, नहीं नहीं गुरुजी आप शायद ऐसा नहीं गलत समझे हैं, शायद वास्तव में उन्होंने ऐसा बता रहा है करके शिष्य उनका समर्थन कर रहा था, बुद्ध धर्म संघ का तीनों का, नहीं नहीं एक वास्तव में ये आप ठीक नहीं कह रहे, ये गलत है करके भगवान ये गुरु जी बात कर रहे। इस प्रकार अयम अयम उजु विपच्छनी का वादा करके पाली में आता है, एक दूसरे से प्रतिकूल वाद करते हुए, तो एक निंदा कर रहा था एक प्रशंसा कर रहा था। इस स्थिति में वो पीछे पीछे जाते जाते एक अम्बलती काम करके एक गांव आ गया है, वहां एक रत्ती वासम, एक रात, क्योंकि जब रात हो गया तो वहां रहना पड़ता था, उस समय राजा गार के एक उस समय में राजा था बिंबिसार, बिंबिसार ने एक बड़ा एक रास्ता में उन लोगों के लिए एक आगार बनाया था विश्राम करने के लिए, वो ठहर गए वहां, ये दोनों भी वहां ठहर गए, तो सारे भिक्षु सुन रहे थे, चुपचाप चल रहे थे, लेकिन पच्चूस समय भी मतलब पच्चूस समय में अर्ली मॉर्निंग कुछ लोग बौद्ध भिक्षु उठ के वो धीरे धीरे चर्चा करने लगे, ये वो जो दो आ रहे थे ना कल हमारे पीछे, एक निंदा कर रहे हैं एक प्रशंसा कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा बात कर रहे हैं करके धीरे धीरे बात करने शुरू कर दिए। तो भगवान बुद्ध को ये पता चला, तो भगवान बुद्ध उनके पास गया ताकि क्या चर्चा चल रहे हैं आप इस करके उन्होंने पूछा। तो वो धीरे धीरे बोले, गुरुजी हम सुने हैं हमारे पीछे दो लोग आ रहे थे, एक तो गुरुजी तो आपके हमारे आलोचना कर रहा था, शिष्य तो समर्थन कर रहा था। तो भगवान बुद्ध बोला कि इस प्रकार के बातों को के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे तो तुम्हारे वो अंतराय, ये आपके अंतराय होगा ध्यान के, इस प्रकार के विषय के ऊपर आपको कभी विचार नहीं करना है, चर्चा भी नहीं करना है। अब उसके बाद करके उसके बाद बोलते हैं, कोई हमारी निंदा यदि करता है, भगवान बुद्ध कहता है जी दिस इज द बुद्धिज्म, ये बौद्ध धर्म ऐसा रहता है, सुन लीजिए भगवान बुद्ध क्या करे, कोई हमारी निंदा करता है तो हमको सोचना है वास्तविक रूप में वो जिसको लेकर के, जिस कमी लेकर के वो निंदा कर रहे हैं, हमको सोचना चाहिए, हमको अंतर्मुखी होकर के देखना चाहिए क्या वास्तविक रूप में हमारे पास वो कमी है क्या जिसके वजह से वो निंदा कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए, इतना ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, भगवान बुद्ध बोलते हैं। कोई बोलता है हमको जाते समय में देखो ये कैसे गधा जा रहा है, मान लीजिए कोई कहता है गुस्सा से जलसी से, तो हमको उस समय में सोचना चाहिए मैं तो मनुष्य हूँ गधा तो नहीं हूँ, सोच के चलना चाहिए बस इतना ही। सो बहुत ही कभी कभी किसी हमारे कमी को उन्होंने बताता है तो उस कमी के ऊपर हमको चिंतन भी करना चाहिए, उस कमी को दूर करना चाहिए। और दूसरा प्रशंसा जो कर रहा है ये भी भगवान बुद्ध बताते हैं, ये कोई प्रशंसा कर रहा है
तो ये भी आपको आपको सोचना है, जिसको लेकर के वो प्रशंसा कर रहा है वास्तव में वो हमारे अंदर है क्या, ये भी सोचना चाहिए। इतना ही सोचना चाहिए, यदि दूसरा यदि सोचेंगे उसके ऊपर चिंतन करेंगे विचार करेंगे तो आपके अंतराय होगा, ये अंतरायो कहता है, ध्यान में अंतराय होगा को करके उन्होंने इस प्रकार ज्ञान का उपदेश देता है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध बहुत 45 साल तक भगवान बुद्ध का उपदेश चला है भारत में, अलग अलग जगह में 45 ईयर्स 45 साल उन्होंने किया। तो बहुत लोग उनके शिष्य बन गए, बड़े राजा महाबिंबिसार जैसे, अजात शत्रु जैसे, बाद में अशोक सम्राट अशोक भी उनके तृतीय सदी में 3rd century BC अशोक का समय है। उस समय में बौद्ध संगीति भी हुआ था पाटलिपुत्र में। तो कलिंग युद्ध के बाद उनको बहुत ही पश्चाताप हो गया, अशोक के मन में बहुत ही दुख हो गया। तो उन्होंने जब व्यथित हो रहा था तो एक बहुत भिक्षु को देखा तो उनको एक रास्ता मिल गया, तो तुरंत उन्होंने तो बहुत अनुयायी बन गया, वो उन्होंने धर्माशोक हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए बाद में। तो हिंसा का भी कम किया उन्होंने, भाषों का शिलालेख में उन्होंने स्वयं लिखा है हिंसा नहीं करना चाहिए करके, वो स्वयं लिखा है सबको। वो राज्य में अशोक का राज्य बहुत दूर तक विस्तृत था, उनके शिलालेख तो दक्षिण में भी मिले हैं, तो सब जगह उन्होंने बता दिया। और भगवान बुद्ध इस प्रकार धर्मदेशना करते करते बहुत सारे बातों के बारे में उन्होंने कहा। तो एक बार आनंद ने कहा, तो भगवान आपके बाद कौन हमारे गुरु होंगे? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई नहीं होगा, यो ममच्छयेन धम्मोच विनयोच देशितो ते सत्था, ऐसे कहते। मैंने जो धर्म और विनय, भगवान बुद्ध का उपदेश को दो प्रकार हम विभक्त कर सकते, एक धर्म है एक विनय है। धर्म सब सुत्ता पिटक में है, विनय सब विनय पिटक में है। तो बड़ा साहित्य विनय पिटक सुत्ता पिटक के छोटे छोटे ग्रंथ नहीं है, बहुत सारे ग्रंथों का एक एक पिटारी कहते हैं, पिटक मतलब पिटारी है। तो उसमें बहुत सारे ग्रंथ है, तो वो धर्म है ये विनय है, ये दोनों ही आपके गुरु हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तो उन्होंने बहुत आसानी से कह सकते, आनंद अपना प्रिय गुरु प्रिय शिष्य था, हमेशा उसका पीछा रहता था। तो भगवान बुद्ध कह सकते थे, आनंद तुम मेरे बाद तुम शिष्य गुरु बनो सबका, ऐसा नहीं कहा भगवान बुद्ध। बहुत ही विलक्षण है, बहुत तार्किक धर्म है बौद्ध धर्म, ये बोले कि मेरे बाद धर्म और विनय है आपके गुरु होंगे। और भगवान बुद्ध अंतिम समय में एक उपदेश दिया, वो बोले है सभ्य संखार अनिच्छा, ये मेरा उपदेश अंतिम। सारे संस्कार जो है ना, सारे संस्कार, संस्कार मतलब बने हुए पदार्थ, उसको संस्कार कहते हैं, बने हुए पदार्थ। ये सारे बने हुए पदार्थ, सारा सृष्टि ही बना हुआ है, तो क्या बच गया है? सब कुछ बना हुआ है, ये चेयर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुई, आपके अकाडमी भी बना हुआ है। तो इसलिए जो बना हुआ है वो संस्कार है, ये सारे संस्कार अनित्य है, अनिच्छा। तो अपमादेना मतलब अप्रमाद होकर, अप्रमत्त होकर के, अप्रमत्त रहिए। भगवान बुद्ध बार बार बोलता है साहित्य में, अप्रमाद चाहिए। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं अपमादो अमत पदम पमादो मच्छुनो पदम, अप्रमत्त होना ये अमृत का पद है, आप प्रमत्त हो गए बस ये मृत्यु का पद है, एक बार प्रमत्त हो गए ये मरण है। जैसा स्वामी विवेकानंद कहता है एक्सपेंशन इज लाइफ कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ कहता है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध कहता है कि प्रमत्त होना, प्रमत्त होना आप समझ रहे हैं, प्रमत्त होना मतलब कुछ गलती करना, बाय मिस्टेक प्रमत्त होकर के गलती करना, जिस गलती को आप पहले की उसी को करना, ये प्रमत्त होता है। एक बार प्रमाद आ गया, प्रमत्त होना तो ये मृत्यु के समान है, उतना तीक्ष्ण उपदेश था। अप्रमाद, अप्रमाद है अमृत पदम, वो अमृत का पद है अप्रमाद। इसलिए अपमादेना संपादित, आपका लक्ष्य को, आपका लक्ष्य निर्वाण होना चाहिए, उस लक्ष्य को अप्रमत्त होकर के आप संपादित करें, हमेशा प्रमत्त मत हो जाइए। थोड़ा भी प्रमत्त हो गए तो आप दुख में फंस जाएंगे, ये उन्होंने बोला है। सभी संस्कार अनित्य है, उत्पत्ति क्षय स्वभाव वाला है, संसार में जो भी पदार्थ है उत्पत्ति क्षय स्वभाव वाला है, उत्पन्न होते हैं इसलिए क्षय भी होते हैं, उसके ऊपर क्या आपको सोचना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। वेदांत यही कह रहे हैं जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो आप जब नागार्जुन का जो सिद्धांत पढ़ेंगे, गौड़पाद कारिका पढ़ेंगे, नागार्जुन को माध्यमिक शास्त्र पढ़ेंगे, तो पूरा वेदांत ही है और कुछ नहीं है, यही बात वहां भी है।
और भगवान बुद्ध संसार को पांच चीजों में बांटा है, वो उसको पंच उपादान खंडा है, पहले भी बोला ना पांच उपादान स्कंध, पांच उपादान का रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, तो इसके अलावा कुछ नहीं है इन्होंने बता दिया। और इसके अलावा कुछ नहीं है, आप बोलते हैं कि आत्मा के बारे में क्यों नहीं बताया भगवान बुद्ध, इस बहुत सारे प्रश्न है बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोग समझते भी नहीं आए, बहुत समझ नहीं पाए बौद्ध धर्म को। अनात्म शब्द जो पाली साहित्य में आता है उसका स्पष्टता नहीं है उसको ना, आत्मा अनात्मा करके वहां वो अर्थ नहीं है। अनात्मा मतलब सारे जो इस प्रकार के जो धर्म है वो क्षय स्वभाव वाला है, ये भगवान बुद्ध बता दिए। और ये भी उन्होंने दीर्घ निकाय में चर्चा किया है कि आत्मा के बारे में उन्होंने बहुत बार 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 पूछ रहे थे, एक बार मालूम के पुत्र उन्होंने बार बार प्रश्न किया आप क्यों स्पष्ट रूप में क्यों नहीं बता रहे हमको, तो उन्होंने बोला कि देखिए उन्होंने एक कथा, उसको उत्तर में एक कथा उन्होंने, बहुत भगवान बुद्ध उपदेश गंभीरता से नहीं देते थे, शास्त्रीय भाषा में कभी नहीं देते थे, एक तो उन्होंने पाली भाषा को अपनाया, दूसरा सरलता से कथाओं के द्वारा वो देते थे। एक बार एक स्त्री था, एक स्त्री थी, उसके एक पुत्र था, बहुत ही प्रिय पुत्र था, छोटा बच्चा था, एक ही पुत्र था, वो खेलते खेलते एक बार सोच लीजिए कितने दयनीय कथा है ये, खेलते खेलते दो ही रहते थे घर में, अपने पुत्र के लिए सब कुछ करती थी वो खेलते खेलते नीचे गिर को अचानक मर गया है बेटा, तो माँ को इतना दुख हुआ कि वो ये विश्वास नहीं कर रहा है वो मेरा बेटा मर गया है, उसको लेकर के सबके पास जाके पूछने लगे मेरे पुत्र, बाद में उनको पता चला कि ये मर गया है, ये गुजर गया है, तो सबको पास फिर भी उनको इस प्रकार की आशा है कि इस प्रकार की उसके एक वेदना थी कि सबसे पूछने लगे मेरे पुत्र को कोई भेषज जम देता थी, कुछ भेषज मतलब कुछ औषध दे दीजिए, कृपा करके कुछ ना कुछ औषध दीजिए मेरे पुत्र, किसी तरह से फिर वो जिंदा हो जाएगा, सबसे पूछने लगे, तो कोई भी उत्तर उसको ठीक से दे नहीं पाया, वो सबसे ऐसे ही पूछ रहा है, बहुत लोगों के पास गई थी वो पुत्र को लेकर के। तो बाद में एक आदमी बोला है कि वहां एक महाश्रवण बैठा है गांव के पास है सीमा के पास, वहां जाइए उनसे पूछिए जरूर आपके बेटा को बचा सकता है, वो वहां सिद्ध है वो महायोगी है। तो स्त्री वहां जाकर के पूछी, तो भगवान बुद्ध उनको वेदांत शास्त्र नहीं समझाया, कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि उस स्थिति में किसी को समझ में कुछ भी नहीं आएगा, बहुत वेदना ग्रस्त थी। तो भगवान बुद्ध बोले मैं सचमुच में मैं बचाऊंगा आपके बेटा, वो जिंदा हो सकता है, ऐसा बोलते, तो बहुत ही आनंद हुआ। तो बताइए क्या करना है मतलब, लेकिन एक आपको एक काम करना चाहिए, आप जाइए गांव में तो कुछ ये जो सरसों लाइए कुछ सरसों चाहिए, मतलब वो बोले वो सोचे मंत्र करके कुछ सरसों के मंत्र प्रयोग से बचाएगा मेरे बेटा को, ऐसे सोचे सरसों लाइए किसी से मैं बचाऊंगा, लेकिन आप सरसों उस घर से लाइए जिस घर में कोई मरना नहीं चाहिए, जिस घर में कोई अब तक नहीं मरा हो, तो उस घर से आप सरसों लाइए। तो मैं भी तुरंत ले आती हूँ करके उन्होंने बहुत आशा से, मैं एकदम भागी और वहाँ गाँव में जाके सबसे हर घर में पूछिए कि थोड़ा सरसों चाहिए, लेकिन आपके घर में तो कोई ने मरा नहीं ना, ऐसा पूछिए। तो मैंने मेरे जो नाना जी वो गुजर गए हैं, एक साल हो गया ऐसा कहा उन्होंने, तो दूसरे घर में गए तो मेरे माँ पिछले साल मर गई है। तो ऐसा ही हर घर में कोई ना कोई उनको पता है नहीं नहीं वो मर गया है, वो मर गया, सबको उनको बाद में धीरे 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 घर घर जाने के बाद 10-15-20 घर जाने के बाद उन्होंने और भी कोशिश कर रही है, तो गाँव समाप्त हो रहा है, लेकिन ऐसा गाँव घर नहीं मिला उसको जिसमें कोई आदमी मरा नहीं है, तो उसका उपदेश मिल गया है। और जब वापस आ गए तो भागते नहीं आई, धीरे 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 आ गई भगवान बुद्ध के पास, तो अपना बेटा को ले गया, तो भगवान बुद्ध उसको मौन से उसके आंखों में देखा है, वही उपदेश था भगवान, तो जब देखा तो उसको समझ में आ गई, वो तो चुपचाप चली गई है, उसके बाद वो भिक्षुणी बन गई है, सत्य का साक्षात्कार हुआ, ओ मरण अनिवार्य है इसलिए मुझे सोचना नहीं चाहिए, दुखित होना नहीं चाहिए, सबको एक दिन मरना ही पड़ेगा, ये मरण अनिवार्य है।
जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहता है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहता है। वही यहाँ इन्होंने नहीं कहा, भगवान बुद्ध ये सब कुछ नहीं कहा, उनको कुछ भी नहीं कहा, उनको उपदेश तो मिल गया है। इसलिए भगवान का बहुत सारे उपदेश मौन से होते थे, मौन से होते थे, कथा से होते थे कभी कभी। तो और ये जो इस प्रकार बौद्ध धर्म बढ़ता गया, भगवान बुद्ध के बाद इसको महायान के रूप में वो परिणत हो गया है। बहुत लोग सोचते हैं हीनयान महायान क्या है, हीनयान मतलब छोटा यान, महायान मतलब बड़ा यान, संस्कृत वाले ऐसे समझ सकते हैं जल्दी। हीनयान मतलब स्मॉल व्हीकल एंड बिग व्हीकल, ऐसे कुछ लोग अनुवाद भी किए हैं अनफॉर्चुनेटली। हीनयान मतलब वास्तविक रूप में वही अर्थ है लेकिन साक्षात नहीं है। हीनयान का मतलब है उसमें एक ज्ञानी आदमी बहुत ज्ञान प्राप्त करके अपने निर्वाण के लिए, अपने निर्वाण के लिए अपने आप कोशिश करता है हीनयान। हीनयान में ज्ञान को इस प्रकार का भगवान बुद्ध का जो उपदेश सब सुन करके अपना बोधि प्राप्त करके अपना ज्ञान को प्राप्त करके अपना निर्वाण के लिए अपने आप प्रयास करना है हर आदमी को अपने आप, क्योंकि अत्यधिको भवा, भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि अपने आप सब बचा लीजिए, कोई आपको बचाएगा नहीं, कोई गुरु आपको नहीं बचाएगा, कोई भगवान आपको नहीं बचाएगा। अत्यधिको भवा का मतलब वही है, यू थिंक यूर सेल्फ, यू कंस्ट्रक्ट यूर सेल्फ, अपने आप सोच लीजिए आपको ज्ञान मिलेगा। आपका आपके लिए ज्ञान देने वाला, मोक्ष देना आप ही हैं और कोई नहीं है, इसका मतलब वही है। तो ये हीनयान का सिद्धांत है, मतलब अपने आप बहुत सोच के गहराई से साधना करके मोक्ष को प्राप्त करना हीनयान है। महायान में क्या होता है, महायान में भगवान बुद्ध का जो करुणा है ना, मैंने अभी आपको कहा जिस करुणा से उन्होंने सारे संसार को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिस करुणा से भगवान बुद्ध गया है, उस करुणा का बेस करके महायान आ गया है। महायान में जो यत्नवान जो भिक्षु रहता है वो बोधिसत्व पहले बनता है, बोधिसत्व बन के बुद्धत्व प्राप्ति के लिए कोशिश करे। बोधिसत्व का मतलब बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जो कोशिश करता रहे तो वो भी बोधिसत्व है। बोधिसत्व के पास करुणा बहुत जरूरी है, करुणा जिसके पास नहीं है वो बोधिसत्व नहीं हो सकता है, और बोधिसत्व करुणा संपन्न होता है। तो इसलिए आपको मैंने अभी जो कहा जीसस क्राइस्ट को आप बोधिसत्व समझ सकते हैं। तो बोधिसत्व करुणा सागर रहता है, मतलब करुणा संपन्न रहता है। तो उस महाकरुणा से लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों के दूसरे के लिए मुक्ति के लिए, सभी समग्र संसार की मुक्ति के लिए वो कोशिश करेगा। ये महायान सिद्धांत है, अपने आप नहीं समग्र संसार का मुक्ति के लिए आपको कोशिश करना है। आपको तो ज्ञान मिल गया, सबको भी ज्ञान मिलना चाहिए ना, इसलिए एक करुणा यहाँ बहुत ही प्रधान है। उस दृष्टि से वो सबका मुक्ति के लिए कोशिश करता है, वो महायान में होता है। और बोधिसत्व छह पारमिताओं को लेकर के ज्ञान का प्राप्ति मिलता है, छह पारमिताओं के आधार से। उसमें छह पारमिताओं का, क्योंकि ये पारमिता पाली साहित्य में भी पहले पारमी करके आते हैं, तो उसी का वही है। कोई महायान कोई दूसरा नहीं है, उसी का बड़ा एक विस्तृत व्याख्यान है। लेकिन महायान का बहुत सारा साहित्य संस्कृत में आया है, जैसे नागार्जुन का बहुत सारा साहित्य संस्कृत में ही है। छह पारमिता ये हैं, दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। इस छह पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता बहुत प्रधान है। प्रज्ञा पारमिता के बारे में बहुत सारे ग्रंथ हैं, अष्ट सहस्र का प्रज्ञा पारमिता, दश सहस्र का प्रज्ञा पारमिता करके। आप लोगों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैं गहराई की बोल रहा हूँ। सामान्य रूप से यदि आपको बहुत सारे विषयों को बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानना चाहिए, बौद्ध साहित्य बहुत विस्तृत है। चीन के बहुत सारे लोग आकर के हमसे बौद्ध का ज्ञान लेके चले गए हैं। हमारे प्राचीन समय में कुमार यान करके बड़ा एक आचार्य चीन में प्रवेश करके बहुत सारे लोगों का ज्ञान दे दिया है, और उनको भगवान भगवान ही समझते थे। कुमार यान जब गया चीन में तो बहुत लोग उनको प्रशंसा करते थे, लेकिन ये कुछ राज्य में उनके जो राजा था वहां चीन में, उनका जो बहन थी वो किसी के विवाह नहीं करते थे। लेकिन जब वो इनको जब देखा तो भाई से
बोलिए कि मैं विवाह यदि करूंगा तो ये भारत से आया ना इस आचार्य इन्हीं को मैं करूंगा करके उन्होंने बोल दिया। उसका नाम जीवा थी। वो जीवा ऐसा बोल दिया तो राजा बहुत बार उनको बोला, प्रार्थना किया कुमार उनको, कुमार यान को हमारे बहन आपको प्यार कर रही है, आप उनकी शादी के, कुमार यान क्या है नाम, नहीं हम नहीं कर सकते, हम तो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, ये भारतीय थे, हमारा भारत ऐसा था। एक राजा का बहन किसी को शादी नहीं किया, किसे शादी किया, तो बोले राजा बोले मेरा अर्धा राज्य दे दूंगा आपको, स्वीकार करिए। नहीं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं, जरूरत नहीं है मुझे, कुमार यान ने कहा। तो बाद में उनको ऊपर बहुत सारा प्रेशराइज कर दिए, तो बाद में उन्होंने बाद में इनको ऐसा भी कहा, जीवा उनसे ऐसा भी प्रस्ताव रखिए कि विवाह मत करिए, आपसे मुझे एक बेटा चाहिए, ये तो और भी असंभव है, उन्होंने बोला है, ये तो हम करते नहीं भारतीय ऐसा। तो बहुत सारा प्रेशराइज करके उनको बाद में ऐसा स्थिति आ गई है वहाँ, तो कुमार यान को स्वीकार करना पड़ा। तो अंत में जीवा से उन्होंने विवाह किया, तो दोनों को एक बेटा उत्पन्न हुआ वहां चीन में, और वही है कुमार जी, कुमार और जीवा। जीवा तो मदर है, कुमार फादर है, दोनों पिता माता के संयोग से उसका नाम कुमार जीव करती है। वो कुमार जीव जो ना चीन धर्म में, चीन संस्कृति में एक अद्वितीय अग्रणी है, एक वो कभी भी भूल नहीं सकते, कुमार जीव उनके लिए भगवान की जैसा ही है। कुमार जीव क्या किया, वो जीवा जो है ना कुमार जीव को भारत भेज दिया पहले ही बचपन में, संस्कृत बहुत सारा संस्कृत सिखाने के लिए कश्मीर के प्रांत में आके कुमार जी बहुत सारे संस्कृत पढ़ के फिर चीन में उनको बुला किए गए। कुमार जी जीवा इतना आस्था थी भारत के ऊपर उनको, एक सन्यासी से उन्होंने शादी करने के लिए, उसके बाद भारत ले आया पुत्र को संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो बाद में फिर ले गया। ले जाने के बाद उन्होंने कुमार जी क्या किया, वो कमाल कर दिया, उन्होंने बहुत सारे महायान ग्रंथों को, सूत्र साहित्य को चीन में अनुवाद कर दिया, अकेला बहुत सारे लोगों के द्वारा करवा दिया इन्होंने अनुवाद का। उन दिनों में 4th century AD ईसा की चतुर्थ सदी में, 14th सदी में, चतुर्थ शताब्दी में उन्होंने क्या कमाल किया, अनुवाद का एक बड़ा एक प्रक्रिया उन्होंने, एक ढांचा उन्होंने वहां स्थापित कर दिया। बहुत सारे हमारे महायान अभी संस्कृत में नहीं है, वो सारे ग्रंथ वो सारे चीन भाषा में उपलब्ध है, इसलिए चाइनीज बुद्धिज्म करके बाद में डेवलप हो गया। तो वो सारे ऐसे कुछ नहीं है, चाइनीज बुद्धिज्म, टिबेटन बुद्धिज्म ऐसा बोलते हैं, जापानीज बुद्धिज्म, मंगोलियन बुद्धिज्म बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हमारे संस्कृत पाली में ही है, तो उसी से विकसित हो गई है। तो बाद में उन्होंने सारे ग्रंथों का अनुवाद कर चुके हैं, बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद कर उन दिनों में। बाद में टिबेटन्स जो आए हैं तिब्बत से, नालंदा में सब पढ़ के तिब्बत के आचार्य चले गए, दलाई लामा स्वयं बोलते हैं तिब्बतन का, तिब्बत बौद्ध धर्म जो आज है ये केवल भारत का देन है, भारत में ही हम उसको पढ़ के गए, हमारे आचार्य हमारे दर्शन इतना प्रसिद्ध, बौद्ध धर्म इतना प्रभाव डाला है संसार के ऊपर, बौद्ध धर्म मतलब केवल ये धम्मपद ये दीघ निकाय ऐसा नहीं है, असंख्या विस्तृत साहित्य जैसा प्रज्ञा, केवल एक प्रज्ञा षट पारमिताओं में अंतिम पारमिता प्रज्ञा है, उसके ऊपर ही अनंत साहित्य है, प्रज्ञा पारमिता, दर्शनशास्त्र प्रज्ञा पारमिता, वो सारे ग्रंथ हमारे पास बहुत सारे नहीं है, एक ही मिलता है ग्रंथ अभी, वो भी बहुत मुश्किल के बाद मिला है, फिर उसको बहुत सारे ग्रंथों को हम चीन से तिब्बत से फिर संस्कृताइज कर दिए, मूल संस्कृत में विनष्ट हो गए। तो इतना राहुल शंकराचार्य के नाम सुने होंगे आप, राहुल शंकराचार्य तिब्बत से बहुत सारे ग्रंथों को फिर भारत में लाए हैं।